वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला 22 मार्च से शुरू हुआ। 22 मार्च के बाद 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। 14 दिनों से बढ़ते रेट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर कुछ रुक रही है तो वो है आम आदमी की रफ्तार। रोजमर्रा की जिंदगी में आम इंसान के पास काम वही है, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए साल 2018 का एक गाना याद आता है। गाने के बोल थे, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये कुछ शब्द है जो आज आम इंसान के दर्द को साफ बयां करते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि आप जाने ग्राउंड जीरो से क्या है लोगों का दर्द, महंगाई के मुद्दे पे लोगों का मूड जानते हैं। पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ा जा रहा है उसको कंट्रोल तो करना ही चाहिए। अब कैसे कंट्रोल करेंगे अगर हम उसको यूज टू हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे अभी इलेक्शंस थे तो थोड़ा पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फिर उसको वापस बढ़ा दिया, तो इससे यही होगा कि आदमी एक होता है मन में अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेता है, चलो कोई नहीं बढ़ गया। अब इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ाते 80 से मतलब 104 पे आ गया है। तेल की कीमतों में लगी महंगाई की आग, 16 दिनों में 14 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आम जनता की जेब पर ट्रिपल अटैक। महंगाई की रेस में सीएनजी भी पीछे नहीं। जेब में पैसा नहीं, महंगाई में छूट नहीं। पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम ने छुआ आसमान। ऐसे में क्या करेगा आम इंसान? आम इंसान वो है जो हर परिस्थिति में गेहूं की तरह पिस जाता है। बात महंगाई की हो या सस्ताई की, सबसे ज्यादा असर आम आदमी के जेब पर पड़ता है। महंगाई के दौर में दो पहिया हो या चार चक्का, सभी के रफ्तार में लगाम लग गई है। 22 मार्च से महंगाई बढ़ तो रही है, लेकिन आम जनता का सवाल ये है कि महंगाई कम होने का संबोधन सरकार की तरफ से कब आएगा? कंट्रोल तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं है कि सरकार कंट्रोल कर सकती है। सरकार इतना भी मतलब ये है कि पीछे तो देखो, पीछे से तो तेल आ ही रहा हो तो इंटरनेशनल मार्केट है, इंडिया में इतना तेल तो पैदा होता नहीं है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल जब परचेज करेंगे तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर इंडिया हम तेल के व्यापारी सारे विदेश में बैठे हैं, इंडिया कितना तेल पैदा करेगा। दिल में दर्द है, बाइक में तेल नहीं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी है, लेकिन सीएनजी के दाम में भी राहत नहीं। कहते हैं भगवान भी जब सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं तो एक दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन यहाँ तो आम इंसान पर एक या दो या तीन नहीं, हर तरफ से वार हो रहा है। जेब पे तो असर पड़ रहा, काफी असर पड़ रहा, क्योंकि 80 पैसे लगभग रोज ही बढ़ रहे जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पहले कंट्रोल किया तो चाहती तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती थी गवर्नमेंट, बट आई डोंट नो कि गवर्नमेंट का फोकस है इस तरफ नहीं है, कितना फोकस है। वो तो कहते कि हमने मार्केट के हिसाब से कर दिया, बट जब इलेक्शन थे तब तो मार्केट के हिसाब से रुका हुआ था, तो अभी अचानक से इतना बढ़ना। पहले होता था कि 2-3 रुपये बढ़ता था 6 महीने में 3 महीने में 4 महीने में, बट अब यह है कि 10 दिन में ही 8 रुपये बढ़ जा रहा है। देखिए 6 अप्रैल 2022 को किस शहर में पेट्रोल डीजल के दाम कितने रहे। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 105.41, वहीं डीजल 96.67 रुपये। मुंबई में पेट्रोल 120.51 रुपये, वहीं डीजल 104.77 रुपये। आगरा में पेट्रोल 104.95 रुपये, वहीं पेट्रोल 96.58 रुपये। देहरादून में पेट्रोल 103.47 रुपये, वहीं डीजल 96.93 रुपये। प्रयागराज में पेट्रोल 105.57 रुपये, वहीं डीजल 95.50 रुपये। अहमदाबाद में 105.43 रुपये, वहीं डीजल 97.29 रुपये। आम आदमी का मानना है कि चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई थी, उसके बाद चुनाव के दौरान दाम में राहत मिली, लेकिन चुनाव खत्म होते ही तेल के दामों में आग लग गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ तले दबाया जा रहा है। मोदी जी का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है और पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी का हर रोज 80 पैसा बढ़ रहे हैं। अब तक 10 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ चुके हैं। पिछले 8 सालों में मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के टैक्स में 26.51 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। अपने बेबाक बयानों के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 7 अप्रैल यानी कल महंगाई के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। महंगाई की मार फिलहाल हर तरफ से जारी है। कमर तोड़ महंगाई पर आम जनता की राय क्या है, इस वीडियो में आपने जाना। इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।
साथ ही देश विदेश के मुद्दों से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।